हम ओनली वेज के फेमस लौकी के मोमोज खाने जा रहे हैं रायपुर के। क्या खाना है आप? मोमोज। कैसे होते हैं? बहुत अच्छे। लौकी मोमोज मतलब यही के फेमस है। मतलब मेरे सारे कजन है भाई, मतलब वो दिल्ली और जाते लौकी मोमोज, वो लोग सिर्फ यही के ही खाते हैं। कह रहे देहरादून के मोमोज ना कहीं अच्छे नहीं होते। एक वो सिंह सुन पर जाते हैं, हाँ वहाँ के भी अच्छे हैं, मोमोज अच्छे लगते हैं उनको। और एक राजपुर रोड, हाँ ठीक है। मैम को कुत्तों ने पकड़ लिया। वाओ, आप खाओ, आप खाने वाओ बोला मैंने, खाओ नहीं बोला। फर्स्ट टाइम ट्राई करोगे आप? करो जरा फिर आप कहीं के नहीं खाओगे। आपके मोमोज खाने में दिल्ली से आई हो स्पेशली? हाँ। तो भैया कब से बना रहे हो आप लौकी के मोमोज? 4-5 साल हो गए। पहले तो आप चाउमीन वगैरह भी बनाते? ना, मैं नहीं था, वो कोई और था। यहीं पे बनते थे लेकिन? हाँ। है ना, आप सिर्फ मोमोज का बनाते हैं। और कहाँ से आया आपको ये आइडिया? बहुत ही टेस्टी होता है, मतलब पूरे देहरादून में कहीं नहीं बनते ऐसे। मैं तो रहने में भैया लोग पहले से बनाते थे। हाँ, से स्टार्ट करा ना उन्होंने। अच्छा अच्छा, मतलब 50 प्लेट से स्टार्ट करा। अच्छा अच्छा, हाँ। तो आप यहीं से हैं देहरादून से? पहाड़ी हो आप? गढ़वाली? ना ना, नेपाली। अच्छा, हाँ। तो मतलब दूर दूर से आते हैं ना लोग यहाँ पैक करवा? काफ़ी दूर। हाँ, कहाँ कहाँ से लेके जाते हैं? दिल्ली के, दिल्ली सब जगह जाते हैं, चंडीगढ़ से भी आते हैं। और प्राइस वही है 40 का पीस, 6 पीस। बट सही बताओ, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है ये टेस्ट। मैंने घर में भी बनाने का बहुत ट्राई किया, बट ये टेस्ट नहीं आया। हाँ, जो भी है, एक तो फिर मसाला फ्री होता है आपका, अंदर से कुछ ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करते। दो ही चीज़ है, प्याज और लौकी। प्याज और लौकी, ठीक है, थैंक यू। बताओ कैसे हैं? हाँ, टेस्टी है। अच्छा हो रहा है? खाओ खाओ। A few inches later, चटनी खा ली देखो, चटनी खा गई, इतना बुरा हाल हो गया। छोटी लड़की है ना ये। क्या मांगा इन्होंने? अरे पानी पियो ना, नॉर्मल पानी नहीं पी सकती अब मैं। ऐसे एक साथ खा लो आखिरी में। ये हमारी नरस है, नरस नरस। दोनों वैक्सीन इन्होंने लगाई है अभी तक, हम एक एक वाले दोनों का लगा दी इन्होंने अभी तक। आपका तो वैक्सीन लगाई है ना? वैक्सीन है। ये हम आए हैं KVFD। ये देखो, ये सीजन है। यही हमने 3 साल मस्ती काटी है। मस्ती काट धरी रहो।
कैसा लग रहा है बरसों बाद यहाँ आके? यहाँ रोज आता रहा है भाई। आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो कैंटीन, और कैंटीन की सबसे मतलब इनकी सबसे प्रिय चीज थी कैंटीन। कैंटीन की याद नहीं आ रही आपको? मिस करती हूँ। ये अपनी सुनो ना, ये अपनी आधी सैलरी ये कैंटीन में उड़ाती थी। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। केवीज में सबसे पहला केवी यही था जहाँ मैंने ज्वाइन किया था, उसके बाद राय वाला दोबारा से यही, तो मेरे लिए तो बहुत खास है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें अपने स्कूल की एक वर्कर आंटी भी मिल गई थी, तो उनसे हम थोड़ा देर बतिया रहे थे। बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कौन बोलेगा? तो फ्रेंड्स आ गए हम घूम के, और अब मैं घर आ रही हूँ, पहुँच गई हूँ बस घर। और ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।